नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष। आप देखें द क्वेश्चन आर भारत। आजकल बहुत इंटरेस्टिंग घटना चली ट्विटर पे। ट्विटर का पूरा माहौल ऐसा बन गया है जैसे मानो रवीश कुमार कह रहे हो। बड़ा हरामी हो बेटा। तो शुरू करते हैं कि जब रेहाना मैडम, आप सबके ट्वीट साइड में देख सकते हैं, रेहाना मैडम, ग्रेटा मैडम, मियां खलीफा मैडम और अमेंडा सरनी मैडम का ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे जब ट्वीट्स आए तो जॉनी भैया क्या बोले आप खुद देख सकते हैं। खैर, लेकिन बात यह है कि ट्विटर पे आप देख सकते हैं कैसा माहौल चल रहा है और ट्विटर के सीईओ का कहना है, फिर उसी में कूद पड़ती हैं हमारी कंगना मैडम। कंगना मैडम और रिहाना मैडम का कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि कौन किसका आइकन है। तो कंगना मैडम ट्वीट करती हैं कि राइट विंग वालों का आइकन कौन है और लेफ्ट विंग वालों का आइकन कौन है, और फोटो का कंपैरिजन कुछ जमता नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि कंगना के विरोधी जो हैं वो नीचे मैडम की भी नो कुछ बिकनी वाली फोटोज दिखाने लग जाते हैं कि देखिए आप भी कुछ कम नहीं है। लेकिन खैर, जो कंपैरिजन कंगना ने किया था उसमें रिहाना का ज़्यादा ही वल्गर था। उसके बाद हमारे कपिल मिश्रा भैया, वो कैसे धोते हैं आप भी देख लीजिए इस ट्वीट में, और एक नहीं दो तीन ट्वीट्स हैं, आप पॉज करके वीडियो पढ़ भी सकते हैं, मैं रीड नहीं करना चाहता। फिर उसी में हमारे कुछ और सेलिब्रिटीज फूट पड़ते हैं, अजय देवगन, अक्षय कुमार, कि भाई जो माहौल चल रहा है बाहर के लोगों के द्वारा एक प्रोपेगेंडा चलाने की जो कोशिश हो रही है उससे आप बचे रहिए। इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा का हैशटैग चलाने की कोशिश की गई कि इसमें नहीं पढ़ते हम लोग इंडियंस हैं, ये जो लोग दखल दे रहे हैं उसमें नहीं पढ़ते। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं चाहे भारत के समर्थन में है, लॉ के समर्थन में है, अगेंस्ट में है, जो है जैसी आपकी माइंडसेट है मुझे नहीं पता, जो आपकी आइडियोलॉजी मुझे नहीं पता, 2 सेकंड बैठ के सोचिए कि जिसके ऊपर आप प्राउड फील कर रहे हैं कि जो पर्सनैलिटी अपनी ग्लोबल रीच का फ़ायदा उठाते हुए इंडिया के इंटरनल मैटर में, किसानों के इंटरनल मैटर में, मतलब और ग्राउंड लेवल की बात है ये, तो रूट से जुड़ी हुई बात है, उसमें कमेंट कर रही है कुछ किसी न्यूज़ का कुछ आर्टिकल लगा के, मतलब ये लोग दिखाना चाहते हैं कितना ये लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे मैटर्स में, ठीक है। और रेहाना मैडम की क्या हिस्ट्री रही आप देख लीजिए, खालिस्तानी समर्थक को ये फॉलो करती हैं, आप ये आर्टिकल भी देख सकते हैं। कौन किससे कहाँ जुड़ा हुआ है ये किसी को नहीं पता, सब अंदर की बात, अंदर की कॉन्स्पिरेसी है, किसको कितना पैसा मिला किस ट्वीट के लिए। और आप लोग खुश हो रहे हैं कि ये लोग इतने ज्ञानी हैं कि इनको हमारे देश के इंटरनल मैटर के बारे में इतना पता है कि ये लोग एक स्टैंड ले सकते हैं। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि इनको हमारे फार्म लॉ का जो एक्ट है, जो तीनों कानून हैं, इनको कुछ नहीं पता, 2 लाइन तक नहीं पढ़ी होगी, लेकिन अपना ओपिनियन दे दिया, इन्फ्लुएंसर होने का फायदा उठा लिया। अगर ये पढ़ के किए होते तो शायद एक जेन्युइन नॉर्मल ओपिनियन फॉर्म करते और उनके ट्वीट में वो चीज़ नज़र आती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। खैर, मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी इंडियन अमेरिकन किसी भी अपने सोर्स के तहत मेरी बात उन तक पहुंचा सकता है, चाहे अपने शब्दों में, चाहे मेरे वीडियो शेयर करके, चाहे अपने भाषा में समझा के, मुझसे थोड़ा सा है ना नोट लेके, अगर आप पहुंचा सकते हैं इन गधों तक मेरी बात, तो आप उनको ये बताइए, पहले तो उनको सजेशन दीजिए कि जाके पढ़ के आओ, दूसरा इंडिया के पर्सनल इंटरनल मुद्दों में मत पढ़ो, अपने अमेरिका के जितने पछड़े हैं, जो प्रोटेस्ट आपके यहाँ चल रहे हैं, जो मसले आपके यहाँ चल रहे हैं, उसको पहले संभालो। दूसरी चीज़, तुम्हारे ये सब ट्वीट करने से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज, तुम बिके हुए हो और बिक के ये पोस्ट कर रहे हो, ये बात सबको ऑलरेडी पता है, तो जितनी जल्दी हो सके हटा लोगे तो तुम्हारी इज्जत बरकरार रह जाएगी, वरना जितनी फैन फॉलोइंग तुम्हारे देश के बाहर वालों की है, उसमें से इंडिया के जो जितने लोग हैं जो तुमसे नाराज होने वाले हैं, फॉलोइंग कम होगी तो अपने आप पता चल जाएगा कि तुम्हारा कितना विरोध हो रहा है। तो अपनी छीछा लेदरी यहीं रोकनी हो तो रोक दो, ट्विटर पे हवस का माहौल मत पैदा करो, ट्विटर को और गंदा मत करो, ऑलरेडी वो इतना गंदा हो चुका है कि लेफ्टिस्ट, खालिस्तानी, इस्लामिस्ट इन लोगों के ट्वीट्स को रहने देता है, इनके अगेंस्ट कुछ चीज़ें आती हैं तो फिर वो अगले का वो प्रोफाइल बैन हो जाएगी, वो ट्वीट डिलीट हो जाएगा, क्लेम पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। फिर इस वीडियो में इतना ही, मैं चाहता हूँ अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, वीडियो अच्छी लगी लाइक करी, नए हैं तो सब्सक्राइब की बिना मत जाइएगा। किसी भी तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप करना चाहते हैं, जो कि करना आपको चाहिए हम जैसी फोर्सेस को एग्जिस्टेंस में रखने के लिए, तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन में जाइए, तरीके दिए हों, कंट्रीब्यूट करिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत बुला रहा है, रक्त रक्त को आवाज दे रहा है, उठो, हमारे पास अब गंवाने के लिए समय नहीं है।